नमस्कार, जय सियाराम। आप सब लोगों का एक बार फिर आज के सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का सेशन जियोपॉलिटिक्स पर है। जियोपॉलिटिक्स मतलब भू राजनीति। भू राजनीति में दो डिसिप्लिन जुड़े हुए हैं, एक भू यानी कि भूगोल और दूसरा राजनीति यानी कि राजनीति पॉलिटिक्स। तो भूगोल और राजनीति को जोड़कर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिनके आधार पर कूटनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण होता है कि कौन देश हमारे फेवर में है, कौन देश हमारे अगेंस्ट हैं, कौन हमारे अलाइज हैं, कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे एक जैसे विचार रखते हैं, कौन हमारे विरोधी हैं, इन सब का निर्धारण जियोपॉलिटिक्स में होता है। अब देखें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति एक रीढ़ की हड्डी। बिना जियोपॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स चल ही नहीं सकती है, क्योंकि भूगोल जो है वो स्थान विशेष का अध्ययन है, स्थानिक विज्ञान कहा गया है इसलिए। तो स्थानिक विज्ञान होने के कारण से इस स्थान पर यानी कि पृथ्वी पर विभिन्न किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, विभिन्न किस्म के क्रियाकलाप हो रहे हैं। उसमें एक राजनीतिक क्रियाकलाप भी है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अरस्तु ने कहा था कि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक जीव है, यानी कि मनुष्य समाज में रहकर राजनीति के बिना नहीं रह सकता। और राजनीति हमारे एक प्रकार से मस्तिष्क में और हमारे ब्लड में घुसी हुई है। राजनीति मतलब क्या? सामान्य अर्थों में हम देखें तो नीतियां, पॉलिसीज, किसी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए जो नीतियां इस्तेमाल की जाती हैं। और जब राज को चलाने के लिए या राज्य को चलाने की बात होती है तो वो राजनीति हो जाती है। तो भू राजनीति का पहला प्रयोग इस शब्द को जो कॉइन किया गया था वो 1899 में किया गया था। एक स्वीडिक्स ज्योग्राफर या विद्वान स्कॉलर्स जिनका नाम रुडोल्फ जैलिन है, उनके द्वारा इस शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग में लिया गया था। उसके बाद इस शब्द का प्रयोग जर्मन विद्वानों ने बहुत किया, विशेषकर 1930 के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और 1930 के बाद में। और इतना रिमार्केबल काम उन्होंने जियोपॉलिटिक्स के फील्ड में किया, हालांकि उसमें नेगेटिविटी भी थी, लेकिन उस नेगेटिविटी के बावजूद भी जो आज हम भू राजनीति का या इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्तर देखते हैं, जो कार्य देखते हैं, उसमें जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने एक प्रकार से आधारभूत कार्य किया, बहुत सराहनीय कार्य किया। उसमें पहला क्रेडिट कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, रेटजल को जाता है। रेटजल एक ऐसे भूगोलवेत्ता थे जो मानव भूगोल के जनक के रूप में माने जाते हैं, साथ ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, मानव भूगोल, राजनीतिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, क्योंकि बिना संस्कृति और इतिहास से राज्य को नहीं चलाया जा सकता। संस्कृति, इतिहास और वहां के लोग किसी भी राज्य विशेष की पहचान होते हैं, मेन आइडेंटिटी होते हैं। आर्थिक तंत्र वगैरह ये सब बाद में जुड़ते हैं, लेकिन मेन जो पहचान होती है किसी भी राज्य की, किसी भी नेशन स्टेट की, वो वहां के इतिहास और संस्कृति के द्वारा होती है। अब यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है जियोपॉलिटिक्स की, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देखिए, यह लिखा है जियोपॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर ऑन स्टेट बिहेवियर। बहुत खूबसूरत डेफिनेशन। जियोपॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स या भौगोलिक जो तत्व हैं
उनका प्रभाव राज्य विशेष पर या क्षेत्र विशेष पर बहुत गहरा होता है, ये उनका अध्ययन करता है। साथ ही वो कहते हैं कि ऑन स्टेट बिहेवियर, राज्य का जो आचरण बन रहा है, जो राज्य का व्यवहार बन रहा है, वो इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के द्वारा बन रहा है। अब ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है लोकेशन, अवस्थिति, फिर क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ वहां का फिजिकल टेरेन, पॉपुलेशन, वहां की जनसंख्या किस प्रकार की है, ये सब फैक्टर्स मिलकर उस क्षेत्र विशेष की एक भौगोलिक पहचान बनाते हैं। तो नीचे मैंने इसको और भी एक लाइन में एक्सप्लेन किया है, इट स्टडी हाउ लोकेशन, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेस, पॉपुलेशन एंड फिजिकल टेरेन डिटरमाइंस अ स्टेट फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस एंड इट्स पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ द स्टेट्स। बहुत बढ़िया लिखा है कि ये जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य की फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। और साथ ही इट्स पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ द स्टेट्स, विश्व में इनकी, इनको हायरार्की या रैंकिंग करने में भी इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही यहां पर मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन और लिखी है ग्रीन वर्ड में, ग्रीन कलर में, द स्टडी जियोपॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस ऑन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये भौगोलिक तत्वों का प्रभाव किसी भी राष्ट्र की राजनीति और उससे संबंधित जो इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन रहे हैं अन्य देशों से, उन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए कि ज्योग्राफी अपने आप में कितना रिच विषय है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पेस और स्पेशियल साइंस, स्थानिक विज्ञान के रूप में है। तो हमारे जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो इस स्थान विशेष पर या अर्थ सरफेस पर होते हैं, भूपटल पर होते हैं, और इसको छोड़कर आकाश में तो राजनीति होगी नहीं, हालांकि आकाश की भी राजनीति होती है, लेकिन जो मेन धरातल है, जो मेन स्टेज है, वो पृथ्वी तल है, स्थान। तो यहां पर यह चीज शॉर्ट में एक बार वापस से जान लेनी चाहिए कि भू राजनीति के निर्धारण में भौगोलिक तत्व या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बहुत गहरी पैठ होती है, बहुत गहरी छाप होती है। किसी देश की स्थिति किस के अक्षांश देशांतरों में है, किस क्लाइमेटिक जोन में है, वहां पर किस प्रकार के रिसोर्सेज या संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन, वहां पर पॉपुलेशन किस स्ट्रक्चर की है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, डेंसिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका डेमोग्राफिक स्टेटस क्या है, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने रोजगार में हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने यूथ हैं, कितने बच्चे हैं और कितने वृद्ध हैं। इनसे उस देश को स्ट्रेंथ मिलती है, शक्ति मिलती है। जैसे भारत का एग्जाम्पल दिया जाता है कि भारत युवाओं का देश है, लगभग 40-45% हमारे यहां पर युवा हैं, ऑलमोस्ट आप राउंड फिगर में 50% मान सकते हैं। तो एक युवा देश होने के कारण से, और युवा होने का मतलब है कि फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ, और अगर वो युवा शिक्षित और स्वस्थ हो तो क्या कहने, अगर युवा शिक्षित और स्वस्थ है तो वो अपने लिए रोजगार स्वयं ढूंढने में सक्षम हो जाता है, सरकार को या सिस्टम को विशेष कार्य नहीं करने पड़ते। और अगर वो अशिक्षित है और अस्वस्थ है तो वो अपने लिए, अपने मुताबिक, अपनी चॉइस का रोजगार भी नहीं ढूंढ पाएगा। यानी कि शिक्षा और साथ ही उसकी
उम्र, स्वास्थ्य, ये तीसरे जो स्तंभ हैं, जो तीसरा स्तंभ है जिसे हम आर्थिक स्तंभ कहते हैं, उसको स्वतः ही मजबूत कर देता है। तो एक इसीलिए कहा जाता है एक स्वस्थ और युवा व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को अर्थ की प्राप्ति के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ता। वो अपने विवेक से, वो अपने मस्तिष्क से, अपने कौशलता से अपने लिए और अपने परिवार के लिए आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था कर सकता है। अब एक चीज हमारे मस्तिष्क में, हिंदुस्तान में, इंडियंस के मन में बैठ गई है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। ऐसा नहीं, रोजगार में सरकारी नौकरी भी है, प्राइवेट नौकरी भी है, छोटे छोटे रोजगार भी हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे भी हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे भी हैं, ऑफिस में काम करने का भी है, मजदूरी का भी काम है, किसान का भी काम है, हर प्रकार के काम जहां से आपको अर्थ की प्राप्ति हो रही है, जिससे आपका परिवार चल रहा है, वो सभी रोजगार के अंतर्गत आते हैं। अब धीरे धीरे हमारे लोगों के मस्तिष्क से निकल रहा है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो बहुत लिमिटेड हैं। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भरण पोषण के लिए सिर्फ हर जगह सरकारी नौकरी देना संभव है भी नहीं, और किसी सरकार के लिए संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो 70 साल में कभी बेरोजगारी और गरीबी नहीं होती, लेकिन रही है और आज भी हमारा युवा स्ट्रगल कर रहा है। और स्ट्रगल एक प्रकार से कई प्रकार के रास्ते खोलती है। मैं स्ट्रगल को पर्सनली बुरा नहीं मानता हूं। स्ट्रगल करने से कई प्रकार के रास्ते खुलते हैं, कई प्रकार के नए लोग मिलते हैं, कई प्रकार के नए मौके मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। अब ये हमारे विवेक पर डिपेंड करता है कि हम उन अवसरों को कैसे कैश करें, कैसे उनको अपने फेवर में करें, कैसे उनके लिए उनको अपने लिए इस्तेमाल करें। इतना समझने के बाद में भू राजनीति क्या है, अब हम आते हैं कि भू राजनीति के जो विभिन्न पहलू हैं उनको मैंने एक सिंपल चार्ट के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। यहां बीच में मैंने लिखा है जियोपॉलिटिक्स, और इसके चार अलग अलग आयाम दिए मैंने। पहला नंबर डाला हुआ है मीनिंग यानी अर्थ, दूसरा हिस्ट्री या इतिहास, तीसरा ज्योग्राफी इज डेस्टिनी यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, और चौथा एनालिसिस या विश्लेषण। अब आप देखिए, हम पहले से शुरू करते हैं जिसकी बात हम अभी कर चुके हैं कि मीनिंग क्या है। जियो प्लस पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स भू राजनीति। जियो में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आ जाते हैं सब, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, स्ट्रगल टू प्रमोट कि किसी भी राज्य को प्रमोट करने के लिए इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का योगदान बहुत गहरा होता है। दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा है कि यहां पर के स्ट्रगल टू प्रमोट और वंस इंटरेस्ट, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने नीतियों के अकॉर्डिंग हर नेशन डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। और ये इंटरेस्ट क्या होता है, ये नीतियां होती हैं जिसे हम राजनीति भी बोलते हैं। और जब भू और राजनीति को मिला देते हैं तो वो भू राजनीति हो जाती है, जियोपॉलिटिक्स हो जाती है। ये इसका मैंने आपको अर्थ बताया। अब दूसरा पॉइंट मैंने यहां लिखा है हिस्ट्री, कि इसका इतिहास क्या है। मैंने आपको बताया कि रूडोल्फ जेलिंग ने 1899 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। ही कॉइंड दिस टर्मिनोलॉजी। रूडोल्फ जेलिन एक स्वीडिश स्कॉलर थे, उन्होंने 1899 में इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया। उसके बाद ये वाइड स्प्रेड यूज इन 1930 और 30 के बाद में इसका बहुत अधिक व्यापक रूप से प्रयोग किया गया, विशेषकर नाजीस के द्वारा, जर्मन भूगोलविदों के द्वारा, और हिटलर और उसके जो साथी थे उन लोगों के द्वारा। फिर यहां मैंने लिखा है कि मेनली इन जर्मनी एक
स्कॉलर हुए थे ज्योग्राफर प्रोफेसर इन ज्योग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी कार्ल हॉशोपर। कार्ल हॉशोपर ने जियोपॉलिटिक्स की मीनिंग चेंज कर दी। उन्होंने जियोपॉलिटिकल इश्यूज को या जियोपॉलिटिकल नीतियों को अपने देश के फेवर में करने का प्रयास किया, यानी कि युद्ध से जोड़ दिया। और रुडोल्फ ये कार्ल हॉशोपर ने, जो कि हिटलर के फ्रेंड भी थे और उनके राइट हैंड भी थे, उन्होंने इस जो बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और उन्होंने और उनके साथियों ने इस विषय को, इस टर्मिनोलॉजी को इतनी गहराई से यूज किया, प्रयोग किया, कि बाद में एक ये अलग विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। फिर मैंने यहां लिखा है कार्ल हॉशोपर के बारे में और नीचे एरो बता के नाजी जर्मनी फॉरेन पॉलिसी, ये नाजी जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी में आ गया, विदेश नीति में आ गया था। और वो किस रूप में था? लिविंग एरिया, जिसे जर्मन में बोलते हैं लेबेंसराम। लेबेंसराम एक वर्ड जो रेडजेल के द्वारा यूज किया गया था, और लेबेंसराम का मतलब होता है लिविंग स्पेस, जीने के लिए स्थान। किनके लिए? जर्मन्स के लिए, क्योंकि जर्मन्स को ये जो मूल स्पेस था वो अब कम पड़ने लगा था। हिटलर कहते थे कि हमको ये स्पेस कम पड़ रहा है, अब हमें जीने के लिए ज्यादा स्पेस की आवश्यकता है, ज्यादा स्थान की आवश्यकता है, मोर लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। तो कल भी मैंने आपको बताया था, आज मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने तीन चार रिंग्स की रचना की, कॉन्सेप्ट रखा कार्ल हॉशोफर और उनके जैसे विद्वानों ने, उनके साथ जो विद्वान जुड़े थे उन्होंने, कि पहला वाला जो पार्ट, जो सेंटर वाला पार्ट होगा, वो मूल जर्मन होगा, और मूल जर्मन बीइंग अ सुपीरियर रेस आर्यंस, उसमें किसी और प्रजाति के लोगों को रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद दूसरे नंबर की रिंग होगी, उसमें मेजोरिटी में जर्मन्स रहेंगे और माइनॉरिटी में दूसरे लोग रह सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज को किसी प्रकार के अधिकार नहीं होंगे, वो सिर्फ खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, इसके सिवा कोई अधिकार नहीं। कानून और सिस्टम अधिकार दादागिरी जर्मन्स की ही चलेगी। फिर तीसरी रिंग उसके बाहर, जिसमें अदर्स मेजोरिटी में और जर्मन माइनॉरिटी में, लेकिन जर्मन बीइंग ए सुपीरियर रेस आर्यंस, प्योर ब्लड होने के कारण से वो माइनॉरिटी में होकर भी डोमिनेंट करेंगे, क्योंकि सुपीरियर है, तो बहुसंख्यक को भी वो दबा के रखेंगे दादागिरी से। कई देशों में आज ये भी होता है कि माइनॉरिटीज दबा के रखना चाहती है बहुसंख्यक को, मेजोरिटी को। और चौथी रिंग सबसे बाहर है, और चौथी रिंग में जर्मनी की आर्मी होगी, जो धीरे 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 बढ़ती हुई जाएगी, और सभी रिंग्स का एक्सपेंशन होता हुआ चले जाएगा, और धीरे 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 पूरे विश्व पर जर्मनी का कब्जा हो जाएगा। यानी कि जर्मनी की सेना हमेशा बाहर रहेगी, बाहर के देशों में लड़ेगी और बढ़ती जाएगी आगे चारों तरफ, तो मूल जर्मनी हमेशा सुरक्षित। ये लेबेंसराम और लिविंग स्पेस का, मोर लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स को का की जो टर्मिनोलॉजी है, इसको कार्ल हॉशोपर और उसके जैसे विद्वानों ने और हिटलर ने बहुत ही बखूबी इस्तेमाल किया। अब ये अलग बात है कि उन्होंने अपने एलाइज को तोड़ा, जैसे रशिया से उनकी ट्रीटी थी कि रशिया उन पर अटैक नहीं करेगा, यूएसएसआर, रशिया उन पर अटैक नहीं करेगा और वो यूएसएसआर पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हिटलर ने एकदम चौंका के रशिया पे भी अटैक कर दिया, तो चारों तरफ से वो फ्रंट, चारों फ्रंट से वो घिर गए। इधर ब्रिटेन था, अमेरिका था, फ्रांस था, और दूसरे भारत की भी सेना वहां पे थी, पता नहीं क्यों थी, क्यों भेजी गई थी, मेरी आज तक समझ में नहीं आता। यूरोपियंस कंट्रीज का युद्ध चल रहा है यूरोप में, और हमारी सेना प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों में वहां जाके लड़ रही है, और द्वितीय विश्व युद्ध में तो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो गांधी जी ने बहुत फोर्सली
हमारी सेना को वहां जाने की वकालत की और कहा कि वो आप ब्रिटिश की तरफ से लड़े क्योंकि ब्रिटिश हमारे माई बाप। मैं इससे सहमत नहीं रहा कि दुश्मनों को मारो तो वो तो अहिंसा हिंसा नहीं है और यहां के अंग्रेज जो दुश्मन है उनको मारो तो वो अहिंसा है, वो हिंसा है। ये दोहरी बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। तो यहां पर कार्ल हॉशोफर कहते हैं कि ये लेबेंस्ट्रम का जो कॉन्सेप्ट है और उन्होंने जर्मन्स ने और नाजीज पार्टी ने इसको अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति के रूप में इस्तेमाल किया। अब मैं आता हूं तीसरे पॉइंट पे। आप देखिए यहां पर लिखा है ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जिसमें लोकेशन है, क्लाइमेट है, फिजियोग्राफी है, टैरिंस है, नेचुरल रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन है वहां की, जनसंख्या किस प्रकार की है। अब यहां पर एक चीज और जुड़ी हुई है, बट ज्योग्राफी इज नॉट द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर्स। कि ज्योग्राफिक और वहां की लोकेशन, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो ही वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बहुत गहरा प्रभाव उनका रहता है, लेकिन वो ही एक सिंगल फैक्टर के रूप में नहीं है। कल्चरल फैक्टर्स भी हैं वहां पर, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं और वहां पर रहने वाले लोगों के बिलीफ्स भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां पर आप देखिए इसको, मैंने हिस्ट्री को यहां पर नीचे लिखते हुए दो एरो ऊपर लगाए और यहां लिखा है अल्फ्रेड महान। अल्फ्रेड महान ने नेवल पावर के ऊपर काम किया और नीचे मैंने हेफर जॉन मैकेंडर लिखा है, इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी थी। हार्टलैंड थ्योरी मतलब कि जो जर्मनी और जर्मनी के आसपास के क्षेत्रों पर जो राज करेगा, जिनकी उनकी पकड़ होगी, जिसमें ईस्टर्न वेस्टर्न रशिया का भी बहुत बड़ा पार्ट है, उन वो लोग पूरे यूरोप पर राज करेंगे और हार्टलैंड के साथ साथ बाहर के और धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे के पूरे विश्व पर उनका राज होगा, पूरे पूरे विश्व पर उनकी पकड़ होगी। ये हार्टलैंड थ्योरी मैकेंडर ने दी थी। फिर हम वापस यहां पे चौथे फैक्टर्स पे आते हैं, एनालिसिस का, कि इसका विश्लेषण कैसे करें, कि भू राजनीति या जियो पॉलिटिक्स का विश्लेषण कैसे किया जाए। ये बड़ी टेढ़ी खीर है। इसका विश्लेषण समय और काल के मुताबिक हमेशा बदलता रहा है। कभी सी पावर पावरफुल रही, कभी आर्मी पावरफुल रही, कभी एयरफोर्स पावरफुल रही, और इस समय तो एयरफोर्स नो डाउट सबसे पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है, और फिर उसके साथ सुपरसोनिक जेट्स वगैरह भी जुड़ जाएं, मिसाइल्स वगैरह भी जुड़ जाए, तो फिर कहने क्या, फिर तो कोई भी क्षेत्र इस पृथ्वी पर सुरक्षित नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर तक भी हम मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। तो भू राजनीति अब पूरी की पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस और आर्म्स की रेस से जुड़ गई। आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इस समय विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़े तीन उद्योगों में से एक है और आर्म्स हर कंट्री खरीदना चाह रहा है। उसको सुरक्षा है कि पास का देश मुझे हड़प नहीं ले। चीन का मैंने आपको एक पिछले कुछ लेक्चर्स में एग्जाम्पल दिया था, 12-13 देशों से उनकी सीमा लगती है और 18 देशों से उनका सीमा विवाद है। एक्सपेंशन करता हुआ वो यहां तक पहुंच गया है। मूल चीन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। वर्तमान चीन का अगर आप मैप देखें तो ओरिजिनल जो चीन जो है वो बहुत छोटा है। हान डायनेस्टी के लोग बहुत छोटे एरिया में रहते थे, उन्होंने मंगोलिया पर कब्जा किया, जो कि मंचूरिया पर कब्जा किया, उसके बाद में जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और मंगोलिया का पार्ट था, उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया जो कि अलग राष्ट्र थे, और अभी भी एक्सपेंशन उनका बढ़ता जा रहा है। हमारा अक्साई चीन 1962 में उन्होंने ले लिया था और अभी लद्दाख में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चुंबी वैली में भी भूटान
के क्षेत्र में भी ये कॉन्फ्लिक्ट काफी समय तक चला और आसपास के देशों को भड़काने के काम भी फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आता है, डिप्लोमेसी में आता है, नेपाल को और पाकिस्तान को भड़का रखा है और प्रयास हो रहे हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश को भी अपने कंट्रोल में लिया जाए जिससे भारत को घिरा जा सके, क्योंकि भारत इस समय चाइना के लिए और विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारे पास जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, जो हमारी ज्योग्राफी लोकेशन है, हमारे पास जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास जो मैन पावर है, पॉपुलेशन है, हमारे पास जो टैलेंट है, इंडियंस का टैलेंट आप देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह हैं उनके मैक्सिमम अधिकतम जो सीईओज वगैरह हैं वो इंडियंस, इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन साइंटिस्ट पूरे दुनिया में छाए हुए, प्रोफेसर्स पूरी दुनिया में छाए हुए, तो वी हैव अ फर्टाइल ब्रेन हियर। अब ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम तो है, ब्रेन बाहर तो जा रहा है लेकिन बाहर से सीख के भी देश में आ रहा है ना, और कहीं ना कहीं उसके लिंकेज अपनी मिट्टी से तो बने रहते हैं, बाहर भी रह रहा है लेकिन उसकी मिट्टी तो हिंदुस्तानी है, कहीं ना कहीं तो वो बोलती है और मिट्टी की आवाज भले ही 2 साल 5 साल 25 साल बाद आए लेकिन आती जरूर है। डीएनए कभी बदलते नहीं है, मजहब बदले जा सकते हैं लेकिन डीएनए और मिट्टी का प्रभाव कभी नहीं बदल सकता। ये पूरी जिंदगी की जो दौड़ होती है वो मिट्टी से मिट्टी तक होती है, सॉइल टू सॉइल, इसी सॉइल के हम प्रोडक्ट हैं, इसी सॉइल पर हम पलते हैं, इसी सॉइल पर हम दौड़ते हैं, मिट्टी पर दौड़ते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, बढ़ते हैं, इसी मिट्टी से निकली हुई फसलों को हम खा पी के बड़े होते हैं, अपने सारे काम करते हैं, इसी मिट्टी पे मकान बनाते हैं, इसी मिट्टी पे इंडस्ट्रीज बनाते हैं, इसी मिट्टी पे सारे काम होते हैं और अंत में जाकर इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसान की दौड़ कहां से कहां तक, इंसान की दौड़ मिट्टी से मिट्टी तक। अगर हम इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को समझ लें तो हमारा जीवन बहुत सहज और आसान हो जाएगा। जो हमारे दार्शनिकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है, जो हमारी वैदिक परंपरा है, जो राम ने, कृष्ण ने संदेश दिए, अगर हम उनको थोड़ा बहुत भी अपना लें, गीताओं को भी पढ़ लें और थोड़ा बहुत उनका अनुसरण कर लें, देखिए अच्छी चीज को आप पढ़ेंगे तो अच्छे संस्कार आप में आएंगे। आप गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, उनकी अच्छी चीजें सीखें और सीखे ही नहीं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, अपने समाज, अपनी मिट्टी, अपने देश को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के में अपना योगदान दें, ना कि उसको तोड़ने में, विखंडित करने में, आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित होकर, आगजनी में सम्मिलित होकर। ये सब चीज ज्यादा समय तक पे नहीं करती है, एक्सपोज हो जाते हैं लोग बाग हर जगह, और जब एक्सपोज हो जाते हैं तो उनकी हकीकत सामने आती आ जाती है तो लोग फिर उन पर विश्वास नहीं करते। वो कितना ही बाद में सच्ची बोलने की कोशिश करें, लोग विश्वास नहीं करते। तो ये जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं एनालिसिस के रूप में मैंने आपको बताया, इसमें आप देखिए 4 कैटेगरीज मैंने आपको दी है जो सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन ऑफ स्टेट से जुड़ी हुई है। पहला इसमें लोकेटेड अराउंड इक्वेटर, अगर कोई देश या क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है तो उनकी इंपॉर्टेंस इतनी अधिक नहीं, क्यों, क्योंकि वहां तापमान और वर्षा दोनों ही बहुत अधिक है, संसाधनों की भी कमी है, शिक्षा की भी कमी है, जनसंख्या भी इतनी उन्नत नहीं है, इसलिए वहां के देश ज्यादा उन्नत नहीं है। दूसरा लोकेटेड अराउंड टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो देश स्थित हैं वहां पर अच्छी जलवायु है, अच्छी लोकेशन, अच्छे नेचुरल संसाधन प्रकृति ने दिए, इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अधिकतर विकसित देश स्थित हैं, जो किसी ना किसी रूप में विश्व की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसीज के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा।
भारत की स्थिति इन दोनों के बीच में 8 से लेकर 37 डिग्री अक्षांशों के बीच में उत्तरी अक्षांश में हमारी स्थिति है, जहां पर थोड़ा बहुत भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय टच भी आता है, उष्ण शीतोष्ण टच भी आता है और उत्तर की ओर शीतोष्ण टच भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो हमारे यहां पर ब्रेन बहुत डेवलप, हर क्लाइमेटिक कंडीशन की अपनी एक विशेषता होती है, और ऐसे क्षेत्र जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श हैं, जैसे हॉट डेजर्ट, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र जहां तापमान बहुत या तो बहुत ऊंचे हैं या बहुत कम है, संसाधन वहां बहुत कम है, विकास नहीं हुआ है, पानी की कमी है, वहां के लोग, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग, मार्शी लोग, पठारों के लोग, वहां के लोग बहुत ही अधिक शारीरिक क्षमता रखने वाले होते हैं, वो योद्धा के रूप में हो सकते हैं, लेकिन योद्धा बनने के लिए भी मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। कम से कम ये तो जाने वो योद्धा कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है, और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नीति को लेकर चलते हैं और उसको सब पर लादने का प्रयास करते हैं तो वो योद्धा नहीं होता, फिर वो आतंकवादी होता है। योद्धा तो वो होता है जो सबका भला सोचे, जैसे अशोक महान एक योद्धा थे। हम उन्हें महान क्यों कहते हैं कि उन्होंने जो नीतियां बाद में अपनाई, जो धर्म का जो प्रसार किया, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, अशोक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, और इतना ज्यादा समर्पित हुए वो बुद्धिज्म की तरफ कि पूरे के पूरे देश में ही नहीं, आसपास के देशों तक उन्होंने बुद्धिज्म का प्रभाव पहुंचाया, और तलवार के जोर पर नहीं, जोर जबरदस्ती के जोर पर नहीं, आतंक के जोर पर नहीं, प्यार मोहब्बत के आधार पर उन्होंने उस धर्म को, वो कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, कि हम आपके पास अच्छी नीतियां लेके आएंगे, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उनके अपनाएं, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप ना अपनाएं। तो पूरा का पूरा एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया, वर्तमान का पाकिस्तान, अफगान, ईरान, इराक और मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर तक के क्षेत्रों तक हमारी सनातन संस्कृति का विस्तार था, और सिर्फ प्रेम और प्यार की आदत, जोर जबरदस्ती, टेरर, तलवार, बंदूक या आतंक के आधार पर नहीं, क्योंकि ऐसे राज्य जब आतंक और जोर जबरदस्ती के आधार पर स्थापित किए जाते हैं वो ज्यादा समय पर तक स्थिर नहीं रहते। जहां पर सिस्टम को लादा जाता है कि आपको ये मानना है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, वहां पर आप ये मान के चलिए कि पानी एक कुंड में रुक गया है, एक गड्ढे में रुक गया है, उसमें बहाव या नवाचार रुक गए हैं, अब धीरे 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 उसमें सड़ान पैदा होती है और वो समाज धीरे 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 खत्म होता चले जाता है और उसको खुद को नहीं पता पड़ता, वो खुद अपने आप को खाता रहता है अंदर ही अंदर। तो आपने देखा कि जियोपॉलिटिक्स में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का कितना महत्व है, और साथ ही पूरे का पूरे विश्व का जो विदेश नीतियां बन रही हैं वो इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स में क्या क्या आ गया, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आ गया, उसकी इंपॉर्टेंस आ गया, पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स आ गए, उनसे बनने वाली विदेश नीतियां, इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सैन्य प्रभाव, जिसकी अपन ने चर्चा की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहां 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 तक किस किस रूप में किसी देश का प्रभाव होगा, ये डिपेंड करता है वहां की नीतियों पर और भौगोलिक तत्वों पर। तो आज के लिए इतना ही, कल या आने वाले समय में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे सेकंड पार्ट के रूप में। थैंक यू वेरी मच।